इस वक्त जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, फोर्ड गाड़ी है और 1940 का ये मॉडल है। लेकिन खास बात यह है कि इसी गाड़ी में बैठ कर के महात्मा गांधी जो है वो गए थे रामगढ़ कन्वेंशन, और उसी कन्वेंशन में आधारशिला एक तरीके से रखी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और ये सिर्फ एकमात्र गाड़ी नहीं है, जमालपुर जो राजघराना है उत्तर प्रदेश का, उसके पास तकरीबन ऐसी 35 गाड़ियां हैं उस घराने के जो अभी के वंशज हैं, और उन तमाम गाड़ियों को रिस्टोर इनके जो अभी के वंशज हैं वो कर रहे हैं। और ऐसी तमाम गाड़ियां हैं, इस गाड़ी में न सिर्फ महात्मा गांधी बैठे बल्कि लाल बहादुर शास्त्री बैठे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे, और इसके अलावा माउंट बेटन जो हैं उन्होंने भी इस गाड़ी की सवारी की, और ऐसी और भी 35 गाड़ियां इस राजघराने के जो लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल की। और काफ़ी ऐतिहासिक एक विरासत है जो इन गाड़ियों की, क्योंकि ये बेहद पुरानी गाड़ियां हैं, काफ़ी सारी विंटेज कार हैं, और इनका रिस्टोरेशन काम भी बड़ा ही जटिल होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये रिस्टोरेशन का काम हो रहा है और कैसे ये परिवार अपनी लेगेसी को रिस्टोर करने के लिए कर रहा है इन गाड़ियों पर काम, और कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए आइए, विक्रमादित्य जायसवाल हैं जो जमालपुर जो डायनेस्टी है उसके अभी की फैमिली की अगर हम बात करें तो विक्रम जी, ये कितनी गाड़ियां हैं आपके? देखिए, एक पुराना कहावत है कि टेक्स एन एंडलेस अमाउंट ऑफ हिस्ट्री टू मेक इवन अ लिटिल ट्रेडिशन। तो ऐसी 35 गाड़ियां अपने पास है जो कि मैं इनहेरिट किया हूँ अपने पूर्वजों की, और उसे एज अ धरोहर, उसे संजो के रखने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। गाड़ी फोर्ड की जो आप बात कर रहे थे, 1927 मॉडल की ये फोर्ड कार है, बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, ये देश की धरोहर है। इसमें हमारे जो परदादा थे राय साहब लक्ष्मी नारायण, उनको सौभाग्य प्राप्त था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को पूरा रांची से रामगढ़ तक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लेकर गए थे, और बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था, वहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट का नींव रखा गया था। चलिए देख लेते हैं आपका पूरा, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम आप कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनकी मेंटेनेंस वर्कशॉप है, और यहाँ पर फोर्ड, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये तमाम गाड़ियाँ जो इनके पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की गई वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक गाड़ी को देखिए, ये रिस्टोरेशन का काम अभी बलराम यादव हमारे कैमरा पर्सन कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कई बार ये बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं और इनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो कई बार भारत में मिलते भी नहीं हैं, तो बड़ी मुश्किल से। तो स्पेयर पार्ट्स सब मिल जाते हैं इंडिया में? हमारे अंकल हैं अभिषेक जायसवाल जी, ये काफ़ी जद्दोजहद से लगे रहते हैं कि कैसे रेस्टोर किया जाए। और ये जो मॉडल है वो रैले मॉडल की कार है, 1949 की। और लगातार रेस्टोरेशन प्रोसेस चलता हुआ, कितने साल से रेस्टोरेशन? लगभग 20 इयर्स से चला हुआ आ रहा है, आगे भी आपको। और ये बताइए कि ये स्पेयर पार्ट, एक गाड़ी को रिस्टोर, ये कौन सी गाड़ी है? ये डिसोटो है, और इट्स अ क्लासिक मॉडल अमेरिकन व्हीकल, और काफ़ी इसमें जो इस पावरफुल इंजन, उस ज़माने की पावरफुल इंजन इसमें लगी है, V8 इंजन इसमें बोला जाता था, 8 सिलेंडर की इंजन है, और वो टेक्नोलॉजी आज भी कंपनी द्वारा, अमेरिकन कार्स द्वारा किया जा रहा है जो उस ज़माना में थे। ये 1957 की कार है, और 57 से 60 की जो मॉडल है, बहुत ही मसल कार जो बोला जाता था, अमेरिकन मसल कार, उसको इम्पोर्ट करवाया गया था बाहर से, हमारे परदादा ने इम्पोर्ट करवाया था। और लगातार ये एक शौक का काम था और पैशन था, जैसे फास्ट कार्स बोला ही जाता था, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को फास्ट कार्स एंड फास्ट हॉर्सेस का भी पैशन था। उस ज़माने में वो बग्गी भी रखे थे, जो कि अब बग्गी तो नहीं है, हम लोग उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेंटेनेंस वर्कशॉप है, इसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा होगा? ये लगभग 1.5 ईयर लगता है। एक साल और कितने कारीगर लगते हैं? लगभग 8 से 9 कारीगर यहाँ पे लगे हैं। कितना घंटा काम करते हैं?
लगभग 9 से 10 घंटा काम इन लोग पूरा एक साल चलता पूरा है। एक साल तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कोई कोई गाड़ियाँ में 2 से 2.5 साल लगता है फुल रेस्टोरेशन पे, और धीरे धीरे काम चालू ही रहता है, मतलब सालों भर काम लगा रहता है। इन हाउस डेंटर पेंटर मैकेनिक स्पेयर पार्ट्स वगैरह विदेश से भी मंगाना पड़ता है, जैसे जो यहाँ नहीं बन पाता है। जैसे मर्सिडीज की अगर बात करें, मर्सिडीज भी वन ऑफ इट्स काइंड है, स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल है वो। अब वर्ल्ड में 7 पीसेस है, जो 170V कैब्रियोले है, उसमें स्नाइपर सीट्स भी है। दीपांकर जी कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? करीब 10 साल हो गया। 10 साल तो कितना, क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? नहीं, दिक्कत कोई चीज नहीं है। नहीं मतलब पुरानी गाड़ियाँ हैं तो सामान नहीं मिलता है, इस तरह की दिक्कत या कई बार? नहीं दिक्कत मतलब जैसे जो चीज हम लोग को मतलब नहीं मिलता तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मतलब बनाने को। जैसा ये लाइट, अभी ये लाइट मिलना मुश्किल है, इसलिए सेम ये लाइट देख के सेम इसी को बनाया जा रहा है, इस टाइप का बना रहे हैं। अभी जो बना रहे हैं इसमें आपका मतलब किस तरीका से होल्डर, किस तरीका से हमको वो लैंप लगाना है, उस चीज़ को सोच समझ के उसको लगा रहा हूँ। इस टाइप का मतलब ये होता है। तो एक गाड़ी को रिस्टोर करने में काफी टाइम लग जाता है? हाँ, मिनिमम मान लीजिए वो गाड़ी का ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए जो गाड़ी मतलब बहुत पुराना है तो उसके लिए वो सामान नहीं मिलता, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगा के उसको ये करना पड़ता है। आप गाड़ी बता रहे थे जो हिटलर के काफिले में भी, वो मर्सिडीज की कार है, वो जर्मन व्हीकल है, उसमें 2 सीटर है, उस ज़माने की 1937 मॉडल की वो कार है। वो भी बहुत ही अच्छी कार थी मर्सिडीज़ की। बहुत लोगों ने अप्रोच किया था कि वो कार हम लोगों को दे दी जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत यूनिक व्हीकल है मर्सिडीज़ बेंज की। उसकी हम लोग जो स्पेयर पार्ट्स था वो इम्पोर्ट करवाए थे, जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट नहीं मिल पाया था इंडिया में, उसको हम लोग इम्पोर्ट करवाए थे मर्सिडीज़ से। और ये सब गाड़ियाँ जो देख सकते हैं ये शेवरले की फ्लीट मास्टर है, नेक्स्ट इन। ये कितना? ये भी 50s की कार है। सबसे पुरानी गाड़ी कौन सा? सबसे पुरानी कार वहाँ पे ये मर्लिन प्रिंसेस है, ये फिएट और दिस वन, या ये दिस इज 1920 मर्लिन प्रिंसेस, जो कि अब हमको लगता है कि वर्ल्ड में खाली एक ही पीस बची है। दिस इज द ओनली पीस। इट्स अ कस्टमाइज्ड सॉर्ट, इट्स अ कस्टमाइज्ड कार, और मर्लिन प्रिंसेस है ये। फिएट और रोल्स की कोलैबोरेशन में ये कार बनी थी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड। कहां से? अमेरिका से मंगाई होगी आपके? ये यूके से आई थी, अमेरिका से नहीं। मतलब अलग अलग कंपनियां जो इम्पोर्ट करती थी, जैसे कि और भी कंपनी, जैसे कैलकटा में फ्रेंच मोटर्स करके था, दिल्ली में फ्रेंच मोटर्स हुआ करता था, जो कि इम्पोर्ट करवाते थे। वो लोग ऑथराइज डीलर्स थे कार से, वहाँ से भी कार हम लोग मंगवाते थे, लेकिन शिप के द्वारा लगभग 2-3 महीना लगता था, शिप के द्वारा आती थी ये कार। और जैसा कि मैंने कहा, ये हॉबी थी, पैशन थी, एक शौक था, और शौक बड़ी चीज़ होती है इस, और हम लोग संजो के रखे हैं, और ये हेरिटेज है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये एक दिल का हिस्सा है, ये आत्मा का इससे रिश्ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज इसमें सवारी कर चुके हैं। बहुत ही ऐतिहासिक लोग जो कि इतिहास का हिस्सा रहे हैं, भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं, ये सब ट्रैवल कर चुके हैं, इसलिए ये दिल का रिश्ता है। यहाँ पर आप बता रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी क्रांतिकारी यहाँ पर आकर एक तरीके से रहते थे अंग्रेजों से। मेरा जो परिवार रहा है बहुत ही क्रांतिकारी परिवार रहा है। मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने जहर देके मारा था। एक तरफ अंग्रेज साथ रहना चाहते थे, दूसरे तरफ वो खोखला भी करते थे और स्टैप भी करते थे, बैक स्टैबिंग भी करते थे। 1932 में मेरे परदादा के फादर को अंग्रेजों ने जहर देके मारा था रांची जेल में, बरेली में उनका देहांत हुआ था। फ्रीडम फाइटर थे, तामपत्र भी परिवार को मिला हुआ है। और उसके बाद जब गांधी जी आए थे तो हम लोगों ने पूरा पूर्ण रूप से एक क्रांतिकारी की पूरे परिवार जो है क्रांतिकारी के गांधीवादी विचारधारा के साथ प्रभावित होकर देश को अंग्रेजों को भगाने का काम सब लोगों ने मिल के किया। और यहाँ की जो बात करें, यहाँ जितने भी क्रांतिकारी हैं 1940 के दशक में, 1940 से 47 तक में ये क्रांतिकारी लोग का ही गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे मुफ्त में शेल्टर, फूड, मेडिसिन सब दिया जाता था। जैसे कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादी हमारी अलाइव थी अभी कुछ दिन पहले, वो बताती थी, तो ऐसे ही हम लोग जान पाए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये सबसे पुराना मॉडल जो इनके पास पूरा ये जो विंटेज कार का एक कलेक्शन है, इसमें सबसे पुराना मॉडल ये है। और जो विक्रम बता रहे हैं हमें कि ये एकमात्र पीस अभी बचा होगा इस तरह का, ये रोल्स रॉयस और फिएट का कोलैबोरेशन था, मर्लिन प्रिंसेस। और अभी ये सिर्फ एक जो है इनके मुताबिक सिर्फ एक पीस है वर्ल्ड में। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक इनके पास कलेक्शन है पुरानी गाड़ियों का, हेरिटेज ये तमाम गाड़ियां हैं, 35 के करीब गाड़ियां हैं। और अब ये इस इन तमाम चीज़ों को रिस्टोर करके, एक गाड़ी को रिस्टोर करने में एक साल से लेकर के दो ढाई साल तक का कुछ समय लगता है। और अब इन तमाम गाड़ियों को रिस्टोर करके इनका है कि एक म्यूजियम बनाएं और वहाँ पर इन तमाम गाड़ियों को रखें ताकि अपनी जो धरोहर है उसको संजो कर रख सकें और अगली पीढ़ी तक वो जो है वो अच्छे से पहुँच सके, इसकी कोशिश जो है ये यहाँ पर ये पूरा परिवार जो है ये कर रहा है। कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ विजयलक्ष्मी इंडिया टीवी रांची।